नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर स्टीन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरोज। आई नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पंडित राधेश्याम दुबे की तीसरी पुण्यतिथि पर साधु संतों का जमावड़ा रहा। शेरपुर कुटी के महंत श्री 1008 श्री रामदास व चंद्रमा ऋषि आश्रम के महंत श्री 108 बम्बम गिरी महाराज ने दीप प्रज्वल कर स्वर्गीय दुबे के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया। जाफरपुर स्थित उनके आवास पर आयोजित भव्य कार्यक्रम का संचालन पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने किया। स्वर्गीय दुबे के पुत्र भाजपा नेता व अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित ब्रिजेश तुपे ने उपस्थित साधु संतों का माल्या अर्पण कर अंग्र वस्त्र दान किया। इस दौरान दुबे ने कहा कि माता पिता की मनुष्य के प्राथमिक पूज्य देव है, इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय मानस प्रवक्ता गोविंद शास्त्री ने कहा कि स्वर्गीय दुबे एक कर्मठ धार्मिक एवं समाज सेवी थे। दीन दुखियों के प्रति सदैव उनके अंदर प्यार रहता था एवं उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। स्वर्गीय दुबे सौभाग्यशाली है कि ब्रिजेश दुबे जैसा सौभाग्य सुयोग्य पुत्र मिला है जो अपने माता पिता को देव तुल्य समझते हैं। उनके पुण्यतिथि को भव्यता के साथ मना रहे हैं। आज के इस परिवेश में लोगों को दुबे में सीख लेने की आवश्यकता है। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया जिसमें आचार्य राजेश पाठक, बाबा बालक दास, शंभुनाथ, दशरथ राय, रतेश, पंडित सौरभ उपाध्याय, प्रभुनाथ, विनीत दुबे, सुनीता, अखिलेश उपाध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में साधु संत व स्थानीय लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूज्य श्री राधेश्याम दुबे जी की तीसरी पुण्यतिथि आज हम साधु संतों को अन्नदान, वस्त्रदान, द्रव्यदान और भंडारा करके मना रहे हैं जिससे पूज्य पिताजी के आत्मा को शांति मिले और हमें और हमारे परिवार को शुभ आशीर्वाद प्राप्त। अच्छा दुबे जी, जहां आज इस दौर में बच्चे अपने माँ बाप को जीते जी भगा दे रहे हैं, निकाल देते हैं, वहां आप अपने मृत पिता की पुण्यतिथि पे इतना भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, साधु संतों की सेवा कर रहे हैं, क्या समाज को आप कहना चाहते हैं? पहले तो पुत्र नहीं है, सपूत नहीं, सपूत नहीं कपूत है जो अपने माता पिता की आदर नहीं करते, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा अगर देवी का कोई स्थान है तो माँ का है, और सबसे बड़ा पिता का कोई स्थान है तो सबसे बड़े देवता का स्थान कोई है तो पिता का है। इसलिए हम सबसे बड़े देवी और देवता वह बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता हैं। जिनके पास नहीं है वो समझते हैं मेरे माता पिता नहीं है, इसलिए मैं अपने माता पिता की पुण्यतिथि मनाता हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा तब तक मनाता रहूँगा। गरीबों में अन्न, वस्त्र और द्रव्य जो भी मेरे पास होगा भंडारा रामायण करवा के दान करता रहूँगा। आजमगढ़ से शिव गोविंद उपाध्याय की एक रिपोर्ट।